डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और कुलाधिपति श्री राम नाथ जी, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी, कुलपति डॉक्टर अरविंद कुमार दीक्षित जी, मानद उपाधि से सम्मानित प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी और देश में मिसाइल वेमन के नाम से विख्यात डॉक्टर टेसी थॉमस जी, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अतिथिगण, अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह के अवसर पर उपस्थित सभी पदक विजेताओं, शिक्षकों, अन्य सभी विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को मेरी बहुत बहुत बधाई। ये स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति होने के नाते मेरे लिए हर प्रदेश उतना ही महत्व रखता है जितना अपना प्रदेश, लेकिन फिर भी अपने प्रदेश में आना, किसी कार्यक्रम में शामिल होना और वो भी अपनी मातृभूमि वाला प्रदेश कितना सुखद हो सकता है, इसकी मैं कल्पना आज यहाँ आप सबके सामने कर रहा हूँ। ये सच है कि जिसका उल्लेख किया, मैं भी इस विश्वविद्यालय से मुझे स्नातक की डिग्री प्राप्त हुई थी। उस समय मैं कानपुर स्थित डीएवी कॉलेज में था, ये वर्ष 1967 की बात है जब मैंने बीकॉम पास किया था। उस समय इस विश्वविद्यालय का नाम आगरा विश्वविद्यालय था। उसके पश्चात कानपुर विश्वविद्यालय अलग हो गया, जब मैंने लॉ पास किया तो मुझे लॉ की डिग्री जो है वो कानपुर विश्वविद्यालय से मिली। लेकिन यहाँ आने से पूर्व मैंने राज्यपाल महोदय से ये तथ्य साझा किया था, उनको भी लगा कि नहीं मैं इसका उल्लेख करूँगा, लेकिन ये बात स्वाभाविक है, अपने विश्वविद्यालय में आना और वो सब पुराने जो स्मृतियाँ थीं वो बिल्कुल तरोताज़ा हो गईं कि जब ये लगता था कि कानपुर से डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको आगरा जाना है, आगरा आए, डिग्री हासिल की। लेकिन वो कुछ स्मृतियाँ हैं जिनको मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ, सुखद स्मृतियाँ। भारत के इतिहास और विश्व पर्यटन में अपनी खास पहचान रखने वाले इस आगरा शहर में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ होने के कारण आज का ये समारोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि अजीत डोभाल जी ने उल्लेख किया, ये बात सच है कि हम लोग सेवा करते हुए, सामाजिक क्षेत्र हो या सार्वजनिक जीवन हो, काम करते करते काफ़ी आगे निकले हैं, लेकिन अभी जो आप सबकी पीढ़ी है, नवयुवकों की पीढ़ी है, नवयुवतियों की पीढ़ी है, आप सबको इस देश के लिए बहुत कुछ करना है और बहुत संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं। उस संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है, बशर्ते कि आपका दिलो दिमाग इतना विशाल हो कि जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि स्काई इज़ द लिमिट। यह विश्वविद्यालय पिछले 90 वर्षों से उच्च शिक्षा में अपना निरंतर योगदान दे रहा है। आप में से बहुत से लोगों को ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि आज़ादी के पहले लाहौर से कोलकाता तक अनेक राज्यों और यहाँ तक कि नेपाल के कुल 108 महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से संबद्ध थे।
मुझे बताया गया है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों समेत आज उत्तर प्रदेश के 1000 से अधिक महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। इन सभी महाविद्यालयों में लगभग 7 लाख से भी अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन यह विश्वविद्यालय केवल छात्रों की बड़ी संख्या के लिहाज से ही नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों में अपने योगदान के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ के छात्रों ने राष्ट्र और समाज के निर्माण में अपनी अविस्मरणीय भूमिका निभाई है। एकात्म मानववाद का महान दर्शन और अंत्योदय का न्यायपूर्ण आदर्श देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भी इसी विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इस विश्वविद्यालय ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह के रूप में हमारे देश को दो दो प्रधानमंत्री दिए हैं। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों का मुकदमा लड़ने के लिए प्रसिद्ध तेज बहादुर सपरू से लेकर ओलंपिक स्तर के हॉकी खिलाड़ी श्री जगवीर सिंह तक इस विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान दिया है। मंच पर आसीन जिनका मैं अभी उल्लेख कर रहा था, श्री अजीत डोभाल जी भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके हैं। देश की सुरक्षा के लिए उनके योगदान के बारे में सभी लोग जानते हैं। इस प्रकार यहाँ के विद्यार्थियों की एक प्रभावशाली और लंबी सूची है, जिसमें से कुछ का ही मैंने उल्लेख किया है। मुझे भी, जैसा मैंने अभी आपके समक्ष निवेदन किया था, इसी विश्वविद्यालय से संबद्ध कानपुर स्थित डीएवी कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त होने का सौभाग्य मिला। मुझे लगता है कि इस देश में केवल यही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ के विद्यार्थियों में से 2 राष्ट्रपति, 2 प्रधानमंत्री और कई राज्यपाल और मुख्यमंत्री हुए हैं। मुझे विश्वास है कि भूतपूर्व छात्रों की यह प्रभावशाली परंपरा आपको विभिन्न क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी। अलग अलग क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाने वाले सभी भूतपूर्व छात्रों में आपको एक खासियत देखने को जरूर मिलेगी। उन सभी में अपनी क्षमता का विकास करने के साथ साथ देश और समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का जज्बा रहा है। यही जज्बा आज मानद उपाधि से सम्मानित डॉक्टर टेसी थॉमस में भी है, जो DRDO में पहली महिला मिशन डायरेक्टर के रूप में देश की सुरक्षा को अपना विशेष योगदान दे रही है। अपनी योग्यता को समाज और राष्ट्र के हित में लगाने का जो आदर्श डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने प्रस्तुत किया है, वो सभी के लिए अनुकरणीय है। मैं समझता हूँ कि सन 1995 में इस विश्वविद्यालय को डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय का नाम देने के पीछे आधुनिक भारत के निर्माण में उनके महान योगदान को मान्यता देने की सोच रही होगी। एक असाधारण विद्यार्थी के रूप में डॉक्टर आम्बेडकर की चर्चा करना यहाँ प्रासंगिक है। कहा जा सकता है कि वे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में से एक थे। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी का स्वर्ण युग कहे जाने वाले समय में वहाँ पढ़ाई करते हुए डॉक्टर आम्बेडकर ने विद्यार्थी के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और उनके रिसर्च गाइड प्रोफेसर एडविन सेलिगमन ने विश्वविद्यालय अर्थात कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेमिनार में लिखा था, मैं कोट करता हूँ उनका जो वाक्य था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यदि कोई छात्र पढ़ने आया है तो B.R. आम्बेडकर, और यदि अंतिम छात्र पढ़कर गया है तो वो भी था B.R. आम्बेडकर।
मैं आशा करता हूं कि इस विश्वविद्यालय के छात्र डॉक्टर आम्बेडकर से प्रेरणा लेंगे और अपने लक्ष्यों की ओर सदैव बढ़ते रहेंगे। डॉक्टर आम्बेडकर ने अलग अलग गंभीर विषयों पर थीसिस लिखी थी, उन सभी की व्यापक सराहना हुई थी। संविधान सभा के सबसे अधिक विद्वान सदस्य के रूप में उनका लोग सम्मान करते थे, जबकि उस सभा के सदस्यों में अनेक उच्च कोटि के विद्वान भी मौजूद थे। शायद इसीलिए उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, करोड़ों भारतवासियों के जीवन को आधार देने वाला आधुनिक भारत का बुनियादी दस्तावेज यानी भारत का संविधान डॉक्टर आम्बेडकर की सोच को परिलक्षित करता है। इस प्रकार शिक्षा से जुड़े सभी लोगों के लिए डॉक्टर आम्बेडकर एक आदर्श है। किसी भी विश्वविद्यालय की बुनियाद उसके शिक्षक और छात्र होते हैं। चाणक्य जैसे शिक्षक ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त के माध्यम से हमारे इतिहास का एक महान अध्याय लिखा था। हमारी सांस्कृतिक विरासत को विश्व में अग्रणी बनाने के लिए गुरु और शिष्य के बीच उसी तालमेल को फिर से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसा तालमेल जीवन पर्यंत चल सकता है। यह दीक्षांत समारोह आपकी शिक्षा का अंत नहीं है। दीक्षा औपचारिक होती है, जिसमें किसी गुरु या संस्थान के साथ शिष्य का संबंध निश्चित किया जाता है, लेकिन शिक्षा कहीं से भी हो, कभी भी प्राप्त की जा सकती है और आजीवन जारी रहती है। दीक्षांत समारोह आपकी जिम्मेदारी भरे जीवन की शुरुआत है। यह समारोह विश्वविद्यालय के सफल छात्रों के सम्मान का अवसर तो है ही, साथ ही यह समाज और राष्ट्र के निर्माण में आप सभी युवाओं को के समर्पित होने का भी अवसर है। आज आपको औपचारिक शिक्षा की एक सीढ़ी चढ़ने के बाद उपाधि मिली है। अब आप अपने जीवन के लक्ष्य तय करेंगे। कोई भी लक्ष्य अपने आप में न छोटा होता है न बड़ा, वह केवल एक लक्ष्य होता है। मेरी सलाह है कि आप जो भी लक्ष्य तय करें उसे पाने के लिए पूरी एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते रहें। स्वयं आगे बढ़ने के साथ साथ आप समाज के उन लोगों को भी आगे बढ़ाएं जो आज आपसे पीछे रह गए हैं। आज आप जहां पर भी पहुंचे हैं, उस यात्रा में किसी न किसी रूप में बहुत से लोगों ने आपकी सहायता की है। आपके माता पिता, शिक्षकों, परिवार तथा समाज के अन्य लोगों और सरकार, इन सभी ने मिलकर आपको ऐसा अवसर दिया है जो हमारे समाज के करोड़ों लोगों को नहीं मिल पाया है। आपका यह कर्तव्य बनता है कि समाज के इस ऋण को आप चुकाएं। आपको मानवता के हित में काम करना है। आप अपने आप को आने वाले समाज का निर्माता समझें। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय ने एक प्राथमिक विद्यालय को गोद लिया है, मॉडल स्कूल में कुछ गरीब बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली है, कार्निया प्रत्यारोपण के कार्यक्रम चलाए हैं और रक्तदान शिविर आयोजित होते रहते हैं। समाज हित से जुड़े ये सभी प्रयास सराहनीय हैं। ऐसे प्रयासों में छात्रों की भागीदारी होने से उनमें संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का विकास होता है। इस विश्वविद्यालय पर 7 लाख से भी अधिक युवाओं की शिक्षा और चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी है। मुझे आशा है कि यह विश्वविद्यालय 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए हमारी युवा पीढ़ी को तैयार करने में एक सार्थक भूमिका निभा रही है। बड़ी तादाद में यहाँ से निकलने वाली शिक्षित और चरित्रवान पीढ़ी देश के विकास की आधारशिला को और मजबूत बनाएगी। अंत में मैं इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। उन विद्यार्थियों को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ जिन्होंने कठिन परिश्रम करके आज पदक प्राप्त किए हैं। मुझे यह देखकर विशेष प्रसन्नता हुई कि हमारी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया। ये सचमुच में एक बहुत सुखद अनुभव है
और ये भारत के भविष्य की एक झलक हमारे सामने प्रस्तुत होती है, जिसमें ये है कि जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो मुझे लगता है कि देश आगे बढ़ता है। मैं आप सभी युवाओं से ये अपेक्षा, और ये केवल इसी विश्वविद्यालय की बात नहीं है, मुझे अन्य विश्वविद्यालयों में विजिटर या चांसलर की हैसियत से जाना का अवसर मिला, लेकिन इसके पूर्व जब मैं बिहार में भी था राज्यपाल के नाते, वहाँ पर भी जब मैं विश्वविद्यालय के कन्वोकेशंस में जाता था तो मुझे हर जगह यही स्थिति मिली, बेटियाँ हमारे बेटों से आगे बढ़ रही हैं। 2/3 जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 2/3 यहाँ तक कि 3/4 बेटियाँ जो हैं वो गोल्ड मेडल लेकर के आगे बढ़ रही हैं, और ये एक बहुत बहुत अच्छी जो हमें झलक दिख रही है, मैं इसलिए बेटियों को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। मैं आप सभी युवाओं से ये अपेक्षा करता हूँ कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे और संवेदनशीलता के साथ समाज और देश को अपना अहम योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।